नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रेणुका झील के निर्माण के बारे में। आखिर क्यों हर साल रेणुका माता का मेला मनाया जाता है और आखिर क्यों रेणुका माता ने खुद को भूमि के हवाले कर दिया। रेणुका जी हिमाचल प्रदेश के नाहन से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रेणुका झील की समुन्द्र तल से ऊंचाई लगभग 500 फीट है। यह एक अत्यंत ही रमणीक झील है जो लगभग 3 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी है। यह झील दिखने में लेटी हुई स्त्री के समान लगती है जो इसे अद्भुत और अनोखा बनाता है। इस झील के चारों तरफ हरियाली है और इसके पानी में अटकेलियां करती मछलियां यहां पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह एक पावन स्थल के रूप में भी जानी जाती है। दिवाली के लगभग 10 दिनों के बाद यहां विशाल मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस झील के किनारे माता रेणुका और परशुराम जी का प्रसिद्ध मंदिर भी है तथा एक छोटा सा चिड़ियाघर है जो पर्यटकों को काफी पसंद आता है। इसमें मनोरंजन के लिए बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है जिसमें बैठकर सैलानी झील के चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता के दर्शन कर सकते हैं। रेणुका झील का स्त्री रूपी आकार देखने के लिए यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर जामू चोटी की ओर जाना पड़ता है जहाँ से झील का आकार लेटी हुई स्त्री के समान दिखाई देता है। अब जानते हैं कि आखिरकार रेणुका झील का निर्माण कैसे हुआ। इसके पीछे कई सारी मशहूर दंतकथाएं प्रचलित है। एक कहानी के अनुसार कहा जाता है कि बहुत समय पहले यहाँ राजा रेणु रहा करते थे जिनकी दो पुत्रियाँ होती थी, एक नेनुका और एक रेणुका। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से एक प्रश्न पूछा कि आप किसका दिया खाते हो। इसके जवाब में नेनुका ने कहा वो अपने पिता का दिया खाती है, जबकि माँ रेणुका ने कहा वो भगवान का दिया खाती है और अपने नसीब का खाती है। रेणुका के जवाब से अहंकारी राजा प्रसन्न नहीं हुआ और उन्होंने रेणुका को सबक सिखाने का निर्णय लिया। इसी के चलते कुछ टाइम में राजा ने अपने दोनों पुत्रियों का विवाह बड़ी ही धूमधाम से कर दिया। नेनुका का विवाह पराक्रमी राजा सहस्त्रबाहु के साथ कर दिया और छोटी पुत्री रेणुका को सबक सिखाने के लिए उसका विवाह तपस्वी ऋषि जमदाग्नि के साथ कर दिया। हालांकि रेणुका महलों में पली बड़ी थी लेकिन उन्होंने फिर भी ऋषि जमदाग्नि को अपना पति परमेश्वर स्वीकार किया और तन मन धन से उनकी सेवा करने लगी। माना जाता है कि महर्षि जमदाग्नि के पास एक कामधेनु गाय होती थी जो सारी इच्छाएं पूरी करती थी। सहस्त्रबाहु को जब इस बात का पता चला तो वह गाय लेने चला गया और उसने महर्षि जमदाग्नि से बलपूर्वक गाय ले ली। जब भगवान परशुराम जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। उसके बाद सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने महर्षि जमदाग्नि के आश्रम पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। जब रेणुका रामबावड़ी से पानी लेकर वापस लौटी तो उन्होंने पति का सर धड़ से अलग देखा तो वह इसे सहन नहीं कर पाई और अपने बेटे परशुराम को बार बार आवाज़ लगाने लगी और वह रेणुका रामबावड़ी में कूद गई। लोगों के अनुसार उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। परशुराम जी उस दिन महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन थे। माँ की पुकार का एहसास होते ही उनकी तपस्या भंग हो गई और वह दौड़े चले आए। जल समाधि ले चुकी माँ रेणुका बेटे के बुलाने पर बाहर आई और जो भी घटना हुई उसके बारे में उन्होंने परशुराम जी को बताया। इसके बाद परशुराम ने सहस्त्रबाहु के सभी पुत्रों का वध कर दिया। परशुराम जी के बार बार विनती करने पर माँ रेणुका ने उन्हें हर साल मिलने का वचन भी दिया और इसके बाद हर साल जब भी माँ रेणुका परशुराम जी से मिलने आती है तो उस उपलक्ष्य में हर साल यहाँ रेणुका उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य दंतकथा के अनुसार उन दिनों सहस्त्रबाहु नामक आर्यव्रत शासक के अत्याचारों से पीड़ित होकर महर्षि अपनी पत्नी सहित वर्तमान रेणुका झील के निकट तपे के टीले पर आकर रहने लगे। यहाँ आकर दोनों ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की क्योंकि जमदाग्नि जानते थे कि सहस्त्रबाहु का संहार भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने
महर्षि को वर मांगने को कहा। महर्षि ने भगवान विष्णु से अपने मन की बात कर दी। तब भगवान विष्णु ने महर्षि को स्वयं अपने घर उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। इस तरह माँ के गर्भ से भगवान परशुराम इस स्थान पर भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जन्मे। सहस्त्रबाहु ने अपनी सेना के साथ रेणुका तीर्थ के पास ही अपना अस्थाई डेरा डाल रखा था। रेणुका प्रतिदिन महर्षि के लिए इस क्षेत्र में बहने वाली गिरी गंगा नामक नदी से पवित्र जल लाया करती थी। सहस्त्रबाहु ने रेणुका को उसे खाने पर आमंत्रित करने के लिए कहा। रेणुका ने जब यह बात जमदाग्नि को बताई तो उन्होंने सहस्त्रबाहु को खाने पर आने का निमंत्रण भेज दिया। कुटिल मन वाला सहस्त्रबाहु विशाल सेना के साथ उनके आश्रम पहुंचा। महर्षि पहले ही इंद्रदेव से प्रार्थना कर कामधेनु ले आए थे। कामधेनु के प्रताप से सहस्त्रबाहु व उनकी सेना को राजसी भोज कराया गया। जमदाग्नि जैसे साधारण ऋषि द्वारा इतनी सुंदर भोजन व्यवस्था देखकर सहस्त्रबाहु को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने जमदाग्नि से इस रहस्य को जानना चाहा, तो सीधे सीधे ऋषि से कामधेनु को मांग लिया। ऋषि ने कामधेनु को इंद्रदेव की अमानत बताकर उसे देने में असमर्थता जाहिर की। जैसे ही सहस्त्रबाहु ने कामधेनु को पकड़ा चाहा, वह स्वर्गलोक में उड़ गई। इस पर सहस्त्रबाहु व जमदाग्नि के बीच घोर युद्ध हुआ। क्रोधित सहस्त्रबाहु ने उनके चारों पुत्र और उनकी हत्या कर दी। रेणुका अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए चीखती हुई निकट के राम सरोवर में कूद पड़ी। रेणुका के कूदते ही राम सरोवर विशालकाय झील में तब्दील होकर रेणुका झील के नाम से व्याख्यात हो गया। उधर माता रेणुका की चीख सुनकर महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे भगवान परशुराम का ध्यान भंग हो गया। वह तुरंत ही चीख की दिशा की मैं दौड़े। परशुराम जब सरोवर के निकट पहुंचे तो माँ रेणुका ने सरोवर से बाहर निकलकर उन्हें सारा वृतांत सुनाया और फिर झील में समा गई। पिता के वध की बात सुनते ही महादयालु महाक्रोधित हो गए। उन्होंने समस्त सेना सहित सहस्त्रबाहु को मार गिराया। पृथ्वी पाप मुक्त हो गई और देवलोक में परशुराम की जय जयकार हुई। बताया जाता है कि सतयुग में यह झील दूध की हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसने पानी का रूप ले लिया। आज भी झील का पानी पीने पर दूध जैसी मिठास का अनुभव होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी व कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐतिहासिक रेणुका झील में स्नान का विशेष महत्व है। लगभग 20 हेक्टर में फैली यह झील की गहराई का अंदाजा आज तक नहीं लग पाया है। कुछ समय पहले सेना के लोग गहराई मापने आए थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। यहाँ देश विदेश के वैज्ञानिक भी आए हैं, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिल पाई। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।